हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बेट्रेंड ड्यूपोली मेडल को डिस्कस करेंगे। बेट्रेंड का पूरा नाम था जोसेफ लुइस फ्रांसिस बेट्रेंड। इन्होंने दरअसल 1883 के अंदर कॉर्नो ने जो मॉडल दिया था उसको क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था जो कॉर्नो ने मॉडल दिया है वो ठीक नहीं है, उसको क्रिटिसाइज किया और उसकी जगह उन्होंने एक दूसरा मॉडल दिया जिसको आज हम बेट्रेंड मॉडल ऑफ ड्यूपोली या ड्यूपोली मॉडल ऑफ बेट्रेंड जिसके नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात मैं आपको यही बताता चलूं, इसको कहीं कहीं आप देखेंगे बेट्रेंड पैराडॉक्स भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है पैराडॉक्स इसको कि बेसिकली दो फर्म्स के इस मॉडल के अंदर दो फर्म्स के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिखाया गया है, जबकि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ दो फर्म्स में इतना ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिखाया गया है, इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इधर उधर ढूंढेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि बेट्रेंड मॉडल जो है वो बेसिकली बेट्रेंड पैराडॉक्स है। ठीक है, अच्छा हम जो बात कर रहे थे कि इन्होंने कॉर्नो के मॉडल को क्रिटिसाइज किया था, आप पीछे हम कॉर्नो का मॉडल हम पीछे वीडियो में जाकर देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली कॉर्नो ने कहा था कि आउटपुट जो है वो एक एडजस्टिंग वेरिएबल है। उन्होंने कहा कि ईच प्रोड्यूसर एडजस्ट हिज आउटपुट बिलीविंग दैट द राइवल विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट एज ही इज डूइंग एट द प्रेजेंट। उन्होंने ये माना था कि मेरा जो राइवल है वो आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस करता रहेगा जितना वो कर रहा है और उसके हिसाब से मैं अपने प्रोडक्शन को आगे पीछे कर सकता हूं। यानी उन्होंने बेसिकली जो अपना एक बेस बनाया था वो प्रोडक्शन को बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर इसकी बेट्रेंड की बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट एंड देन सेल व्हाटएवर प्राइस सेल हिज प्रोडक्ट ऑन व्हाटएवर द प्राइस इट कैन ब्रिंग्स टू। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर पहले अपने प्राइस को सेट करेगा और उस प्राइस के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा। यानी वो ये कहते हैं कि जो एडजस्टिंग वेरिएबल है वो प्राइस है ना कि प्रोडक्शन आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों मॉडल्स जो है वो अलग हो जाते हैं। कॉर्नो का मॉडल कहता है कि आउटपुट वेरिएबल है जिससे हम एडजस्टमेंट लाते हैं। बेट्रेंड कहते हैं कि नहीं, वो प्राइस है जिससे कि हम एडजस्टमेंट लाते हैं। तो यहां पर ये दोनों जो मॉडल्स हैं वो डिफर कर जाते हैं। दूसरी चीज ये कि बेट्रेंड ने कहा कि हमें मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इतनी मालूम होना जरूरी है कि हम कितनी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, हमारा कस्टमर कहां तक है। क्योंकि उसमें कॉर्नो के अंदर ये भी था कि आपको मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात ये कि कॉर्नो कहते हैं कि प्राइस जब हम लोग अब हम जाहिर है कंपटीशन कर रहे हैं, हम कंपटीशन कर रहे हैं तो हम प्राइस नीचे लाते जाएंगे। तो यहां पर बेट्रेंड कहते हैं कि प्राइस किसी हद तक नीचे जा सकते हैं, यानी उस वक्त तक जा सकते हैं कि जब आपके प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए। मार्जिनल कॉस्ट से नीचे आप कर ही नहीं सकते प्राइस, क्योंकि प्राइस अगर आप मार्जिनल कॉस्ट के नीचे करेंगे तो फिर आपको लॉस है। इस वजह से वो कहते हैं कि जब भी कंपटीशन शुरू होगा, बेटर ने कहा कि कंपटीशन जब शुरू होगा तो दोनों राइवल्स प्राइस पर फाइट करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक उनके प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ अजम्पशंस देखते हैं। देखिए, आपको अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग अजम्पशंस मिल सकते, अलग अलग तो नहीं होते, किसी में ज्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो तो मैंने ज्यादा से ज्यादा अजम्पशंस लेने की कोशिश की है जो हमने ज्यादा मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज में मैंने स्टडी की है। जैसे पहला अजम्पशन है टू फर्म्स, हम यहां पर सिर्फ दो फर्म्स को लेकर चलेंगे मॉडल के अंदर ताकि समझना आसान हो। सेकेंडली, दोनों फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रोडक्ट दोनों फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तीसरी चीज,
टेक्नोलॉजी सेम है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी. दोनों प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, इट विल रिमेन सेम ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस मॉडल. ठीक है. नेक्स्ट, जो हमारी कॉस्ट है वो आइडेंटिकल है, यानी दोनों की जो हमने कॉस्ट मानी है, मार्जिनल कॉस्ट, और जाहिर जब मार्जिनल कॉस्ट सेम होगी तो एवरेज कॉस्ट भी सेम आती है. तो हमने एज्यूम करके चला है इस मॉडल के अंदर कि प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट के ऊपर, पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट आ रही है वो सेम है. अदरवाइज देखिए, अगर कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है तो जाहिर है जिसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है वो ज्यादा चार्ज करेगा प्राइस, जिसकी कॉस्ट कम आ रही है वो कम चार्ज करेगा. इसलिए यहां हम ये मान के चलते हैं कि दोनों प्रोड्यूसर की मार्जिनल कॉस्ट सेम है और आइडेंटिकल है, कॉन्स्टेंट है. ठीक है. अगली चीज ये हम मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली, कहने का मतलब है कि साइमल्टेनियसली सेट करते हैं, यानी इसने कम किए, उसने देखा कि इसने करी, उसने थोड़ा सा उससे कम कर लिया, उन्होंने थोड़ा सा उससे, तो ये साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है. और आखिरी बात यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है. हम कैपेसिटी को अगर फिक्स कर देंगे तो फिर जिसकी फिक्स हो गई वो रुक जाएगा, दूसरा वाला प्रोड्यूस करता रहेगा. तो हम ये मानकर चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड है, वो जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी इस मॉडल में काम कर पाएंगे. ठीक है. तो देखते हैं फिर ये काम कैसे करता है ये मॉडल. इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, एक चीज मानकर चलिए कि दो प्रोड्यूसर हैं, दोनों के अपने अपने प्राइस हैं, तो एक कंडीशन हम ये मानकर चले कि प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर वन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर टू. यानी अगर हम पहले वाले प्रोड्यूसर को स्टडी कर रहे हैं तो उसके जो प्राइस हैं वो 100% दूसरे के प्राइस से अफेक्ट होंगे. वो जहां तक लाएगा उससे नीचे मैं करना चाहूंगा. तो ये आप मान के चलिए कि ये एक फंक्शन है दोनों के. अब देखिए, क्वांटिटी अगर हमने पूरी मार्केट की क्वांटिटी हमने क्यों मानी, क्यों जो है वो पूरे मार्केट की क्वांटिटी है. अगर पूरे मार्केट की क्वांटिटी हमने क्यों ली है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी दो जगह डिवाइडेड है ना, क्योंकि दो प्रोड्यूसर है. तो हम मानकर चलेंगे इसको क्यू वन प्लस क्यू टू. ये हमने माना कि हमारी मार्केट में टोटल क्वांटिटी क्यू है और ये क्वांटिटी क्यू वन और क्यू टू दो प्रोड्यूसर्स के बीच में बटी हुई है. अब देखिए, यहां पर तीन कंडीशन आती हैं प्राइस को लेकर. अब दोनों ने अपने अपने प्राइस सेट किए हुए हैं. पहली कंडीशन ये है कि प्राइस ऑफ फर्म वन इज लेस देन प्राइस ऑफ फर्म टू. पहली कंडीशन आती है कि फर्म वन के प्राइस कम है और फर्म टू के प्राइस ज्यादा है. देखिए, हमने ये आप ध्यान में रखे चलिएगा कि हमने ये मानकर चला है अपने अजम्पशन के अंदर के होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है. सेम प्रोडक्ट दो प्रोड्यूसर बेच रहे हैं, एक सस्ता बेच रहा है और एक महंगा बेच रहा है, तो आप किससे लेंगे? ऑब्वियसली आप सस्ते वाले से लेंगे. और कोई भी एक भी कस्टमर महंगे वाले के पास क्यों जाएगा? तो इसका मतलब यह होगा कि जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो क्यू वन के पास आ जाएगी. क्यू वन के पास पूरी की पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी जो पहला प्रोड्यूसर है जिसके कम है उसके पास पूरी की पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, पूरी क्वांटिटी वही बेचेगा. लेकिन और जो हमारा प्रोड्यूसर टू है उसके पास जीरो, उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो कुछ बेच ही नहीं सकता है. समझ रहे बात को? जिसके प्राइस कम है वो मार्केट का सारा प्रोडक्ट बेच लेगा, दूसरे के पास कुछ नहीं बचेगा. कॉन्ट्रेरी ले लीजिए, सेम चीज है इसका. बस मान लीजिए कि अगर ये हमारे P1 प्राइस जो है वो ग्रेटर देन P2 है, तो जो हमारा Q1 है उसके पास जीरो होगी और सारी की सारी क्वांटिटी हमारे Q2 के पास चली जाएगी, दूसरे प्रोड्यूसर के पास चली जाएगी. ठीक है. तीसरी एक कंडीशन है जहां पर मान लीजिए दोनों के प्राइस सेम है, P1 इक्वल टू
P2। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, दोनों लोग अगर दोनों के प्राइस बराबर हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आधे कस्टमर इसके पास चले जाएंगे, आधे कस्टमर इसके पास चले जाएंगे, तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी है यानी क्यू, ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये अब तक की कंडीशन है, आप इसको जहन में रख के चलिए कि ये कंडीशन है हमारी। बेसिकली ये क्या है, ये नाश इक्विलिब्रियम यही तो है। नाश इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए हमने नाश इक्विलिब्रियम पर पहले एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उससे जाकर स्टडी कर लीजिएगा। नाश इक्विलिब्रियम में बेसिकली यही प्रूफ किया गया है कि प्रोड्यूसर जो है वो वॉर करते हैं, प्राइस को घटाते जाते हैं, घटाते जाते हैं, और उस वक्त तक ले आते हैं जब तक वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएंगे तो वो उससे नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका लॉस है, और उससे ऊपर यूं ही करते हैं कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो राइवल सारा का सारा मार्केट ले जाएगा। यही चीज हमें यहां इसमें बेट्रेंड मॉडल में प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल ले लेते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं इस मॉडल में, सॉरी हमें फंक्शन लेना है, हम एक फंक्शन ले लेते हैं P इज इक्वल टू 60 माइनस 2Q। ये हमने एक फंक्शन लिया, डिमांड फंक्शन है, आपने पढ़े होंगे डिमांड फंक्शन है, ये हमने एग्जांपल लिया है। आप चाहे तो कोई भी फंक्शन ले लीजिए, या हो सकता है आपके एग्जाम्स में, एग्जाम में जब ये आए तो आपको फंक्शन वहां दूसरा दिया जाए कोई। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि हमने एक फंक्शन लिया है P इज इक्वल टू 60 माइनस 2Q, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट है, गिवन है, तो हम मानकर चलते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इज इक्वल टू 10 रुपीज, डॉलर, जो आप कह लीजिए उसको है। अच्छा, अगर मार्जिनल कॉस्ट 10 है तो जाहिर है एवरेज कॉस्ट भी 10 होगी। ये कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है पीछे वीडियोस में देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट 10 है। अच्छा, अगर मार्जिनल कॉस्ट 10 है तो आप मान के चलिए प्राइस क्या होंगे, प्राइस क्या होंगे अगर मार्जिनल कॉस्ट 10 है। देखिए ये बात पहले बताइए कि वो नाश इक्विलिब्रियम बात बताएगी कि एक, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने अपने प्राइस 20 तय, दोनों ने 20 तय कर रखे हैं, ये एक ने 20 तय किए हुए थे, दूसरा मार्केट के अंदर आया, उसने क्या किया कि मैं ये 20 पे बेच रहा है तो मैं 19 पर बेचने लगूं। जब वो 19 पर बेचेगा तो सारा कस्टमर पी का वन का दूसरे के पास आ जाएगा। जब इसके पास सारा कस्टमर आ जाएगा 19 पे तो अब उसके पास तो कोई कस्टमर रहा ही नहीं P1 के पास, तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 19 ही लिया है और शेयर कर ले मार्केट को, या उससे भी कम कर ले 18 कर ले। तो जाहिर है 18 में उसके पास सारा कस्टमर आ रहा है, मौका ज्यादा है, ज्यादा कमाने का है, तो वो क्या करेगा 18 करेगा। इसी तरीके से फिर ये 2 सोचेगा, ये 17 16, इस तरह होते होते कहां तक पहुंच जाएंगे वो 10 तक। 10 से नीचे वो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मार्जिनल कॉस्ट है, अगर वो 10 से नीचे करेंगे तो लॉस है। इस वजह से जो हमारे प्राइस है वो नाश इक्विलिब्रियम में 10 हो जाएंगे, वो जो मार्जिनल कॉस्ट है वही प्राइस है। हम यहां यही प्रूफ करेंगे कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट 0 है, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं कि इसमें हम मान लीजिए हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 10 इज इक्वल टू, ये हमने P की जगह 10 लिखा है, ये वैल्यू हमने यहां पर लगाई है, इज इक्वल टू 60 माइनस 2Q। 2Q को इधर ले आते हैं हम और 10 को इधर ले आते हैं, 2Q इज इक्वल टू 60 माइनस 10, और Q इज इक्वल टू 50/2 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हम सिंपली ये किया है, हमने इसको ड्राइव किया है, 10 इज इक्वल टू 60 माइनस 2Q है। अब हमने 2Q को इधर कर लिया तो ये प्लस का हो गया, आकर ये माइनस का है, जब यहां आया तो ये प्लस का हो गया, और ये 10 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 2Q इज इक्वल टू 60 माइनस 10, 50 हुआ, 50/2 हमने कर दिया, ये इसको 2 को हमने नीचे ले आए यहां पर, और ये 50/2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। हमारा जो यहां पर हमने एक थर्ड कंडीशन ली थी, याद कीजिए कि P1 इज इक्वल टू P2 विच इज, यहां पर हमारी क्वांटिटी अपॉन 2 था नाश इक्विलिब्रियम में, यहां पर क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई 25/2, तो ये कितनी आ गई आपकी
12.5। यानी जब प्राइस सेम होंगे, देखिए दो कंडीशन है, अगर P1 के प्राइस ज्यादा है तो सारा का सारा पूरी जो क्वांटिटी है ये P2 के पास जाएगी, अगर P2 के प्राइस ज्यादा है तो P1 के पास आ जाएगी, जो शुरू की दो कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन जब दोनों के बराबर है तो 12.5 दोनों बेचेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां जाहिर है हमें पता है प्रॉफिट वहां कितना हो रहा होगा, लेकिन जाहिर है हम इसको प्रूफ करेंगे कि प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट को हम जनरली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, हम क्वांटिटी को जब प्राइस जो प्रॉफिट है प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई। और प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्राइस में से हम एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। एवरेज टोटल कॉस्ट, जब हम प्राइस में से एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा सिर्फ। मान लीजिए 10 प्राइस है, और एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाला मत लीजिए, यहां तो सिंपली है, ये प्राइस है और 8 वो है, तो कितना हुआ, अगर 2 जो निकल के आ गया वो प्रॉफिट आ गया। ये जस्ट एग्जांपल, इससे रिलेटेड नहीं है, ये फार्मूला समझाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि यहां तो हमारी कॉस्ट और प्राइस बराबर है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी हमारी कितनी है 25, प्राइस हमारे कितने हैं, सॉरी प्राइस हमारे कितने हैं 10, कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, मैंने पहले बताया था ना जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वही हमारी एवरेज कॉस्ट है 10, तो ये कितना हुआ 25 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना है हमें, हमें यही बताना है कि नाश इक्विलिब्रियम अचीव यहां आकर हुआ है। नाश इक्विलिब्रियम में क्या है कि प्राइस उत हद तक घटते जाएंगे कि वो मार्जिनल कॉस्ट पर आ जाएंगे और प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट जीरो इसीलिए है क्योंकि दोनों प्रोड्यूसर यहां मार्जिनल कॉस्ट पर सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यानी प्राइस जो घटेंगे उस लेवल तक घटते जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है इन दोनों में कि वो बस हर ये आदमी ये चाहेगा प्रोड्यूसर के मैं नीचे ले जाऊं, लेकिन एक हद आएगी कहां, जबकि दोनों मार्जिनल कॉस्ट पर आ जाएंगे, और व्हेन दे रीच टू द मार्जिनल कॉस्ट दे कैन नॉट डिक्रीज द प्राइसेस लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि अगर वो मार्जिनल कॉस्ट से नीचे ले जाएंगे प्राइसेस को तो उनको लॉस होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट से थोड़े से प्राइसेस को ऊपर ले गया तो जो मेरा राइवल है वो सारी की सारी मार्केट लेकर चला जाएगा। बिकॉज वी आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट विच इज ए ऑलमोस्ट ए परफेक्टली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, ये तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात हो गई, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको अभी, ओके। देखिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स द बेटरेंड मॉडल डिटरमिन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू फर्म्स रिएक्शन कर्व। यहां पर हम दो फर्म्स के रिएक्शन कर्व्स को लेंगे, जो रिएक्शन कर्व है वो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कर्व्स हैं, रिएक्शन कर्व्स हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये बताते हैं कि इस प्राइस पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। और ये जो रिएक्शन कर्व है ये हम बेसिकली आईएसओ प्रॉफिट कर्व से ड्राइव करेंगे, जो के ओरिजिन से कॉन्वेक्स होते हैं। मैं उसको दिखाऊं आपको, दो फर्म हमने मान के चली हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। मान लीजिए ये जो है ये फर्म ए का रिएक्शन कर्व है, रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म वन। मैं जो बात कर रहा था कि ये हमने जो है वो आईसो प्रॉफिट कर्व से लिए हैं, तो ये आईसो प्रॉफिट कर्व्स होते हैं, इन्हीं को हम जब मिलाते हैं तो हमें रिएक्शन कर्व मिलता है। तो ये तो ए का हो गया,
और इसी तरीके से आप यहां दूसरा ले लीजिए, ये रिएक्शन कर्व फॉर्म टू का हो गया, ये फॉर्म वन का और ये फॉर्म टू का, ठीक है। हम इसके अंदर जो हमारा ये बेट्रेंड मॉडल है, इसके अंदर इन रिएक्शन कर्व्स को हम इंटरसेक्ट करते हैं जिससे कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। जैसे आप अगर मान लीजिए एग्जाम में बनाएंगे तो वो पूरा देने की जरूरत नहीं होती, आप अगर एक ग्राफ दे देंगे तो काम चल जाएगा। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो हमारा है ये पहले हम 45 डिग्री की लाइन बनाएं, ये 45 डिग्री की हमारी लाइन है, जाहिर है वो एग्जैक्टली नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा उसमें चेंज आ रहा होगा, आप उसको सही से बना लीजिएगा क्योंकि मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है। ये 45 डिग्री की लाइन है जिसको हम कहते हैं 45 डिग्री लाइन ऑफ इक्वल प्राइस, लाइन ऑफ इक्वल प्राइस, ठीक है। अब ये जो हमारा निकलकर आया है, ये निकलकर आया हमारा रिएक्शन कर्व ऑफ प्रोड्यूसर या फर्म वन, और ये जो हमारा निकलकर आया रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म टू, ये हमारा रिएक्शन कर्व फर्म टू का है और ये रिएक्शन कर्व फर्म वन का है। ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारी 45 डिग्री की लाइन को टच करते हुए, तो ये जो निकल कर आया ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, ये हमारे फॉर्म वन का प्रोडक्शन आउटपुट है Q1 और ये Q2, और यही कहलाता है हमारा नाश इक्विलिब्रियम। सिंपल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। हम दो रिएक्शन कर्व लेते हैं, एक फॉर्म ए का लेते हैं और एक फॉर्म बी या फॉर्म वन का लेते हैं या फॉर्म टू का लेते हैं, दो रिएक्शन कर्व हम लेते हैं और ये हमारी बीच में हमारी इक्वल प्राइस लाइन होती है जो 45 डिग्री पर हम लेते हैं। अब हम दोनों कर्व्स को ये कैसे ड्राइव करेंगे ये मैंने बताया, ये हम लोग आइसोप्रॉफिट कर्व्स ले लेते हैं, आइसोप्रॉफिट कर्व्स यही तो हमें बताते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस है वो कौन सा है, जो इस लाइन के ऊपर होता है उसमें वही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लाइन चलती है, उसी लाइन को हम रिएक्शन कर्व कहते हैं। तो ये दोनों फर्म्स के हम रिएक्शन कर्व बनाएंगे और जहां ये दोनों रिएक्शन कर्व इंटरसेक्ट करेंगे इस लाइन के साथ वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये हमारी दोनों फर्म्स की आउटपुट है, वो इतना प्रोड्यूस करेंगे और इतने प्राइस पर, सॉरी ये प्राइस ऑफ फॉर्म वन है और ये प्राइस ऑफ फॉर्म टू, ये हम लोगों ने प्राइस लाइन ली है ना, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारी दोनों फॉर्म्स के प्राइसेस निकल कर आ गए, ये प्राइस ऑफ फॉर्म वन है और ये प्राइस ऑफ फॉर्म टू, यानी अब हमारी जो दोनों फर्म्स हैं वो इन प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इसका इक्विलिब्रियम हम निकाल लेते हैं बेट्रेंड मॉडल का। अब देखिए यहां पर ज्यादातर जो आप चीजें देखिए वो हमने सेम ली है, यानी दोनों हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो एक रॉन्गली बिलीफ में थे कि वो उसमें कॉर्नो के मॉडल में कि वो आउटपुट चेंज नहीं करेगा, मैं चेंज कर लेता हूं। बेट्रेंड के मॉडल में वो कहता है कि वो प्राइस चेंज नहीं करेगा, मैं चेंज कर लेता हूं, लेकिन दोनों जगह दोनों चीजें चेंज होती जाती हैं जिसकी वजह से ये एक मॉडल काम करता है, लेकिन जो बेसिक अजम्पशन है वो एकदम डिफरेंट है। कॉर्नो कहते हैं कि हम आउटपुट पॉलिसी पे काम करते हैं, बेट्रेंड कहते हैं कि हम प्राइस पॉलिसी पे काम करते हैं, और यही वजह है कि दोनों मॉडल के रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।